2019 में हुए पुलवामा अटैक को शायद अभी तक देश भुला नहीं पाया है, ना ही विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी लोगों के जहन से उतरी है। जिस तरह पाकिस्तान में रहकर भी विंग कमांडर अभिनंदन ने बड़ी ही बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ पाकिस्तानियों का सामना किया, वह मंजर आज भी लोगों को याद है। विंग कमांडर के इसी बहादुरी को देखते हुए ड्रीम सैजो और न्यू जनरेशन की टीम ने मिलकर पुलवामा अटैक के हीरो विंग कमांडर अभिनंदन को उड़ान नामक गाना डेडिकेट किया है। कुल 8 लोगों ने मिलकर यह गाना तैयार किया है। इस गाने को बनाने के पीछे क्या है इस टीम का उद्देश्य और क्या खास है इस गाने में जो साल भर बाद भी लोगों के दिल में विंग कमांडर अभिनंदन की यादें ताजा कर देता है, जानने के लिए देखिए यह गाना। इससे पहले इस गाने के डायरेक्टर से हुई बातचीत में क्या कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। सॉन्ग हम लोगों ने विंग कमांडर अभिनंदन सर के लिए डेडिकेट किया, उनकी वीरता के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में जाके रह के फिर वो वापस आए, मतलब इतनी बहादुरी से लड़े, हम लोग उनको डेडिकेट किए, उनकी वीरता के लिए, जिस तरीके से उन्होंने फाइट किया, वहाँ रहे, सरवाइव किए उस टाइम पे, ये सॉन्ग सिर्फ उन्हीं के लिए डेडिकेट किया, साथ में हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये उनके लिए था। मेरा बैंड और न्यू जनरेशन की टीम हो गई, जैन गुप्ता लिरिक्स लिखे थे इसका, हम लोग ये पूरी टीम में, ड्रीम सैडो और न्यू जनरेशन मिल के ये सॉन्ग को रेडी किया था। हम लोग ड्रीम सैडो के नाम से, मतलब मर्ज होके चलते हैं, ड्रीम सैडो और न्यू जनरेशन ऑडियो प्लस वीडियो, ये कंप्लीट हम लोग का प्रोडक्शन हाउस है। हमारे स्टूडियो से अभी 4 से 5 अभी करेंट सिचुएशन के लिए सॉन्ग्स आ चुके हैं, बट हम लोग पर्टिकुलर अभी इस थीम के लिए अभी बनाए नहीं है सॉन्ग, हो सके आगे बनाएंगे इसके लिए, और अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत सारे अभी, बट लॉकडाउन के कारण शूटिंग पेंडिंग है हम लोग का। 7 लोग का ही टीम है हम लोग का, ऑडियो सेक्शन हो गया हम लोग का और वीडियो सेक्शन न्यू जनरेशन के नाम से, तो हम लोग का ये कंप्लीट टीम है, ऑडियो प्लस वीडियो पूरा, जो भी जैसे हम लोग के क्लाइंट आते हैं तो हम लोग पूरा उन लोग को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अगेन करते हैं उनकी चॉइस के ऊपर कैसा है क्या है, अगर वो लोग खुद प्ले करना चाहते हैं या हमसे पूरा प्रोडक्शन कराना चाहते हैं, डिपेंड करता है, बट हम लोग हर चीज़ करके दे सकते हैं उनको। जैसे कि उन लोग के पास केवल लिरिक्स है, कोई म्यूज़िक नहीं है, तो हम लोग पूरा म्यूज़िक रेडी करके ऑडियो प्लस वीडियो पूरा रेडी करके दे सकते हैं। अगर उनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, बैंड मेंबर्स हैं, तो लोग आके खुद रिकॉर्ड करेंगे, फिर बाकी जो मिक्सिंग मास्टरिंग प्लस जो वीडियो का सेक्शन है वो हम लोग रेडी करके दे सकते हैं। मेरा नाम कृष्ण देवांगन है, मैं ड्रीम सैडो का ओनर हूँ और मेरा एक बैंड है गैलेक्सी करके, मेटल बैंड है। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 News। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।